तो ये बात है उस समय की जब मैं BGMI प्लेयर हुआ करता था। लिटरली इतने किल किया करता था, इतने किल किया करता था, इतने किल किया करता था अबे साले, कि बॉट भी मुझे मार के चले जाते थे। हाँ ठीक है ठीक है, हंस लो हंस लो। लेकिन लेकिन गाइस, लिटरली BGMI अब जा चुका है, मुझे नहीं लगता वो कभी वापस आने वाला है। तो अब हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। चला जा भोसड़ी के। तो हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज के एपिसोड में मैं तुम्हें सिर्फ खेल के ही नहीं बल्कि तुम्हें समझाने वाला हूँ, तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट आखिर खेलते कैसे है, और माइनक्राफ्ट कैसे खेला जाता है, माइनक्राफ्ट में कैसे सर्वाइव किया जाता है, माइनक्राफ्ट में कैसे घर बनाए जाते हैं। मैं तुम्हें सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ आज की वीडियो में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और तुम कहीं से भी देख रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा मीम मटेरियल के साथ ये पूरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा माइनक्राफ्ट में तीन गोल होता है, जो कि तीन गोल होते हैं। फर्स्ट, क्राफ्टिंग टूल, यानी कि लोग टूल किसी भी औजार हथियार को कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे ला सकते हैं। और नंबर टू पे आता है हमारा गेट फूड, जिससे हम माइनक्राफ्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। मॉन्स्टर से बचने के लिए हमें बेस भी बनाना पड़ता है, जो कि तीन नंबर पे आता है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा डे वन हमें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फाइनली हमें स्पॉन हो चुके हैं अपने एंड्रॉइड फोन में माइनक्राफ्ट के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले तुम्हें कोई भी पेड़ ढूंढ लेना, और यहाँ पे जो तलवार का सिंबल दिख रहा है तुम्हें, उसको बस क्लिक किए रहना है, ठीक है। लकड़ी के पास ले जाना है एम को, अपना जो कर्सर होता है सेंटर वाला, और बस उसको क्लिक किए रहना है। अगर तलवार छोड़ोगे तो लकड़ी नहीं टूटेगी, और बस तुमको अपना एम ले जाते जाना है लकड़ियों पे, लकड़ी को कलेक्ट करते जाना है। ये लकड़ियां हम लोग इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लकड़ियां आगे चल के बहुत काम आने वाली है। इस लकड़ियों से हम लोग अपना घर भी क्राफ्ट करेंगे, अपनी बेस भी बनाएंगे, और साथ साथ में टॉर्च, लैंटर्न, जितने चीज होते हैं सब लकड़ियां ही हमारी बनाती है। तो सबसे पहले तुम्हें लकड़ियां कलेक्ट करना है, और पत्ते मत तोड़ने लग जाना, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। माइनक्राफ्ट में तुम्हें 15 से 20 मिनट में ही सब कुछ करना रहता है डे वन के अंदर, ठीक है। तो गाइस, फाइनली सनराइज हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे एक पेड़ तोड़ चुके हैं, एक पेड़ की लकड़ियां काट चुके हैं। अब हम तेजी से यहाँ पे सेकंड पेड़ की लकड़ियां भी काट लेते हैं, और तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो इसको समझने में, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तुम्हें मैं बता दूं बस, यार जो तुम देख रहे हो एरो जैसा सिंबल, उसको थोड़े देर तक क्लिक किए रहना, तुम्हारी लकड़ियां टूटने लगेंगी, ठीक है। और मैं थोड़ा स्क्रीन को पतला कर देता हूँ ताकि तुम्हें सारे सिंबल देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और हाँ गाइस, लिटरली अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है माइनक्राफ्ट में अपना नया वर्ल्ड बनाने में, या फिर कंट्रोल चेंज करने में, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तुम डेफिनेटली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं 1000% तुम्हारा आंसर करूंगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम मेरे पास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, हर एक कॉमेंट, हर एक सिंगल कॉमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर रिप्लाई नहीं भी करता हूँ तो हर्ट तो दे ही देता हूँ। तो लिटरली तुम मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। हमने काफ़ी हद तक वुड और ये जो ग्रास होते हैं इनको कलेक्ट कर लिया है, तब हमें शेल्टर अपना बनाना है। तो हम मैंने इस जगह को चूज़ किया है, तुम्हारे ऊपर है, तुम जिस जगह को चाहो उस जगह को चूज़ कर सकते हो। और तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद बात यह है कि तुम जहाँ क्रॉस एयर ले जाकर के इस स्वॉर्ड को दबाओगे, वहाँ पर क्रॉस एयर से बन जाएगा। और तुम्हें कोई भी चीज़ प्लेस करना है तो उस पर क्लिक करना है, और ये जो बगल में एमिंग का ऑप्शन है उस पर टैप करोगे, तुम्हारा वहाँ वो चीज़ पुट हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ गड्ढा भरा है, ठीक है। और तेज़ी में हम यहाँ पर और अपने बेस को चौड़ा कर लेते हैं, ताकि विदाउट एनी प्रॉब्लम हम रात को यहाँ सर्वाइव कर सके, ताकि हम जो से बच सकर। तुम्हें मैं बता दूं अपकमिंग ट्विस्ट की ज़ॉम्बी आके मुझे मार भी देगा, फिर भी मैं कैसे बचाऊं ये तुम्हें मैं बता दूंगा, ताकि तुम भी बच सको। इसके लिए हमें एरो, स्वॉर्ड, सब कुछ बहुत सारी चीज बनाने रहते हैं, मैं वो तुम्हें बनाना भी सिखा दूंगा। सबसे पहले ये चिकन को मार लेते हैं, क्योंकि चिकन को मार करके इसका मीट हमें बहुत जरूरत होगा रात को खाने के लिए, जब हमारी हेल्थ खत्म होगी, वरना हम लोग बच नहीं पाएंगे जिंदा, हम लोग मर जाएंगे भूख के मारे, ठीक है। यहाँ भूख से भी खाने को ढूंढना रहता है, भूख से बचना रहता है। लिटरली तुम देख सकते हो हमें चिकन मिल चुका है, फ्राइड चिकन तो नहीं है, लेकिन इसको फ्राई भी कैसे करना है ये भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो लिटरली हम अपने शेल्टर पे आ चुके हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लिटरली हमको गाइस यहाँ पे बनाना है अपना एक अच्छा सा स्टे करने वाला बेस, और स्टे करने वाले बेस को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बहुत सारे डिफरेंट टूल। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्राफ्टिंग टूल बनाना है, वो क्राफ्टिंग टूल बनाते कैसे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस, नीचे सबसे पहले तुम्हें जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर टैप करना है, और यहाँ नीचे जो हमने लकड़ियाँ काटी है पेड़ से उसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। और ऊपर से जो हम पेड़ की लकड़ियाँ जैसे ही ले जाएंगे, यहाँ नीचे हमें चार चार करके बॉक्सेस मिलने लगेंगे। यहाँ पे हमें मैक्सिमम अमाउंट में लकड़ियों को बॉक्सेस में बदल लेना है, क्योंकि ये बॉक्सेस बहुत ज्यादा काम आते हैं घर के बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में, सब कुछ में। और तुम लकड़ियां लगाओगे तो उतने लकड़ियां सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ लकड़ियों को भी छोड़ देना, क्योंकि उन लकड़ियों से आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और अब हम बनाएंगे हमारा क्राफ्टिंग टेबल। तो गाइस, क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए इस बेड वाले लोगों पे जाना है, और यहाँ सेकंड नंबर पे जो टेबल है उस पर टैप कर देना है, बस वन क्लिक करना है तुम्हें, और यहाँ पे सब कुछ ओके हो जाएगा। बस इस टेबल को नीचे स्लाइड करके यहाँ पे ला देना है, बस तुम्हें छोड़ देना है, हो गया क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है।
चुका है। अब इसको हमें प्लेस कर देना और इसके पास जाना है, और इसके पास जाके एम वाला बटन जो है उसको वन क्लिक करना है। हमारा क्राफ्टिंग टेबल के अंदर क्राफ्ट अब हम कुछ भी कर सकते हैं। लिटरली गाइस यहां नंबर वन पे जो हमें स्टिक दिख रहा है, इस स्टिक पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से नीचे जो चार चार स्टिक दिख रहा है ऐसे ऐसे बहुत सारे ले लेना है। लगभग तुम्हें 16 या 20 ले लेना है। मैं यहाँ पे 16 ले लूंगा, ठीक है। और जैसे ही तुम स्टिक ले लो, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे हम लोग को एक्स बनाना है, कैसे हम लोग कुल्हाड़ी बना सकते हैं, तलवार बना सकते हैं, ये सब भी सिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सिंपली हम लोग जो स्टिक बना चुके हैं उस स्टिक को ऊपर ड्रैग करेंगे और इसको फिर हम लोग थोड़ा देर टैप करेंगे और फिर एक बार ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर होल्ड करना और ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करना, वहाँ स्टिक लग जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करना, फिर बगल वाले बॉक्स पे क्लिक करना, ऐसा वाला बक्सा जो तुम्हें बनाया था, मैंने चार चार ब्लॉक्स बनवाए थे वैसे वैसे चार चार वाले बॉक्स तुम्हें पहले दो बार भर लेना है। ऐसे कुछ ऐसा शेप बनाओगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा, और अगर त्रिकोण शेप बनाओगे तो तुम्हारा कुल्हाड़ी बन जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया होगा आई थिंक। समझ नहीं आया तो एक बार बस ये 10 सेकंड पार्ट को रिपीट करो, तुम्हें समझ में आएगा कैसे कैसे कौन कौन सा हथियार बनता है। और अगर ऐसे दो हम रख ले और ऊपर एक बॉक्स रख ले तो हमारा वो बन जाएगा जो जिससे हम लोग नाली का कीचड़ निकालता है ना, जो वो बाहर आते हैं, मतलब उसका नाम मुझे नहीं पता। और अगर इस कंडीशन में ऐसे रखेंगे तो हम लोग का स्वॉर्ड बन जाएगा। तुम्हें होपफुली सारे हथियार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, और अच्छे से अगर समझना है तो कल मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो ला दूंगा, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। गाइस अब जल्दी जल्दी अपने घर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसा देख लेना है जो पत्थर हो, ठीक है। ऐसे वाले पत्थर को डेफिनेटली तुम्हें अपने एक्स से तोड़ना है, कुल्हाड़ी से तोड़ना है, या फिर जो ऐसा वाला शेप वाला होता है उससे तोड़ना है। ये जल्दी जल्दी टूट जाएगा, और जितनी हो सके उतनी ऐसी वाली पत्थर तोड़ लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये थोड़ी देर बाद तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि इसी से हम बनाएंगे अपना कोयला, और कोयला से ही बनेगा हमारा टॉर्च। और टॉर्च बिना भाई रात को सर्वाइव करना लगभग क्वाइट इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मॉन्स्टर आएंगे वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें टॉर्च बनाने के लिए ऐसे वाले पत्थर चाहिए होंगे। तो ऐसे वाले पत्थर जितनी तेजी में हो सके उतनी तेजी में तोड़ लेना, क्योंकि कोल तो मिलना भाई क्वाइट इम्पॉसिबल है। उसको खुद से बनाने का मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, और ये ट्रिक पूरे यूट्यूब पे मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, बहुत कम बंदे जानते होंगे, बहुत कम बंदे कि कैसे ऐसे कोल बना सकते हैं, ठीक है। तो लिटरली आज के वीडियो में तुम्हें ट्रिक भी बता रहा हूँ भाई, देख लो फर्स्ट वीडियो है और तुम इतने ज्यादा प्रो बनने वाले हो। तो लिटरली एक लाइक तो बनता है, दबा दो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस इस पत्थर को कलेक्ट करने के बाद जब तुम अगेन आओगे क्राफ्टिंग टेबल में, तो तुम्हें थर्ड नंबर पे पलंग वाले ऑप्शन में तुम्हें ये जो मिलेगा चिमनी जैसा, उस फर्नेस को ले लेना है और उसको अपने ऐसे वाले बॉक्स के अंदर रख लेना है, यानी कि क्रिएटर बॉक्स में रख लेना है, उसको एक जगह पे प्लेस कर देना है। इससे बनाएंगे हम अपना कोयला। आओ देखते हैं कोयला कैसे बनाते हैं। इस पर सबसे पहले एमिंग करना है हमको, ठीक है। जैसे एम करोगे यहाँ पे इनपुट और फ्यूल आएगा और रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इनपुट में तुम्हें डालना है यहाँ पे लकड़ियाँ, ध्यान से देख लो लकड़ियाँ डालना है। लकड़ी से जो चार ब्लॉक कन्वर्ट किए तो वो नहीं डालना है। और यहाँ पे फ्यूल पे तुम्हें स्टिक्स डालने हैं, स्टिक डाल दो चाहे वो लकड़ी डाल दो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्टिक डाल दो और इनपुट में लकड़ियाँ डाल दो। और इसका रिजल्ट तुम्हें पता है क्या मिलेगा? कोल मिलेगा, ठीक है। एक लकड़ी और एक स्टिक जल के एक कोल देगा तुम्हें, ठीक है। और ये जैसे चार कोल तुम्हें मिल जाएगा तुम इजीली टॉर्च बना सकते हो। और आई एम सॉरी गाइस अगर तुम्हें नॉइस की इशू आ रही है तो, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ खासा अच्छा है नहीं और मेरे बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा नॉइसेस है। तो गाइस इस फर्नेस को हम लोग बनने देते हैं, और तब तक हम लोग क्या करते हैं अपना जो घर है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रात होने लगा है, ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। तो फिर हो गया मेरा बंटाधार, वो मार देंगे मुझे, खत्म, आज का डे 1 ऐसे ही चला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ घर बना लेते हैं, और घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, एक मिनट पहले कॉयल उठा ही लेता हूँ, एविंग पे टैप करता हूँ अगेन में, और कोल जो है उसको यहाँ पे भर लेता हूँ। देख सकते हो कैसे भरा जाता है, कोल उठाना है, सीधा ड्रैग करना है, तुम्हारा कोल आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब इस कोल से और स्टिक से हम टॉर्च बना सकते हैं। एक काम करेगा गाइस, पहले हम लोग टॉर्च बना ही लेते हैं और तुम्हें बता ही देता हूँ टॉर्च कैसे बनता है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, टॉर्च हम लोग पहले बना लेते हैं। तो गाइस टॉर्च बनाने के लिए सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल के पास आ जाना है, और यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल के पास तुम्हें सेकंड ऑप्शन ही दिख जाएगा बेड वाले ऑप्शन में टॉर्च का, ठीक है। तुम्हें जहाँ भी टॉर्च दिख जाए तुम्हें उस पर टैप करना है, तुम्हारा स्टिक और कोल, या फिर तुम ऐसे मैनुअली भी रख करके टॉर्च बना सकते हो। और एक स्टिक एक कोल यूज करके चार टॉर्च बनते हैं, तो ऐसे 12 टॉर्च हमारे बन चुके हैं, हम इसको ले चुके हैं, ठीक है। अब हमें बहुत आसानी होने वाली है, टॉर्च हम लोग सीधा पुट कर देंगे। टॉर्च पुट करने के बाद हमें लाइटनिंग मिल जाएगी कि रात को अंधेरे में भी हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना घर बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ज़ॉम्बी से बच भी पाऊंगा मैं अगर घर जल्दी नहीं बनाया तो फटाफट से घर बना लेते हैं। घर की छत सबसे पहले बनानी जरूरी है, और छोटा घर हो बड़ा घर हो डे 1 है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा ही घर बना लेंगे जहाँ पे बस हम लोग खड़े भी रह पाए तो काम चल जाएगा। बस रात भर सर्वाइव करना है, जॉम्बी से बचना है भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जॉम्बी से नहीं बच पाए तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय हाल हो जाएगी। तो लिटरली यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे कैसे पुट कर रहा हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स एक घर बनाने के लिए, एक नॉर्मल सा घर। तुम चाहो तो तुम जितना आलीशान हो सके उतना आलीशान घर बना सकते हो। अब पुट करने तो तुम्हें आ ही गया होगा, बस तुम्हें जब खत्म करना है ब्लॉक
अगर गलत पुट कर दिया तो तलवार पे टैप करते जाना, नहीं टूटेगा। तलवार पे टैप करे रहना पड़ेगा तब जा करके टूट जाएगा वो, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पे टैप करे रह रहा हूँ टूट जा रहा है, ठीक है। और पुट करना है तो बगल वाले एमिंग बटन पे दाबना, अपने ब्लॉक पे टैप करके वहाँ पे पुट हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो पुट और ओढ़ना तो आ गया होगा तुमको, आई थिंक इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। यार तुम बहुत तेज हो, मुझसे भी ज़्यादा तेज। और टॉर्च भी कैसे पुट कर सकते हैं ये भी देख लो, टॉर्च पे टैप करना है और सीधा एरो पे टैप करना है, पुट हो जाएगा टॉर्च, ठीक है। अब तेजी में हम अपना छत जो है वो ढक लेते हैं, छोटा सा घर बना लेंगे छोटा मोटा, जिसमें हम लोग बस जिंदा रह सके, मतलब रात भर सर्वाइव कर सके, मॉन्स्टर नहीं आ पाए, ठीक है। और तेजी में हम अपना घर बना लेते हैं एक छोटा मोटा, और फिर तुम्हें मैं बताता हूँ आगे करना क्या है। तो गाइस जब हम घर बना रहे थे ऐसे मॉन्स्टर आ गए थे, तो अब देख लो स्वॉर्ड का क्या काम आता है। देखो जब मैंने स्वॉर्ड सिलेक्ट किया और ये स्वॉर्ड पे टैप करो तो ये मॉन्स्टर मर जा रहे हैं, वरना अगर स्वॉर्ड नहीं रहती हमारे पास तो ये मॉन्स्टर हमें मार देते। हम तेजी में अपना घर जो है वो तोप लेते हैं। अगर तुम्हारे पास ब्लॉक्स की कमी पड़ जाए तो तुम नीचे वाले जमीन के जो गड्ढे हैं उसको खोद करके भी ब्लॉक्स ला सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें ब्लॉक्स का, तुम जितना अंडरग्राउंड चाहो उतना अंडरग्राउंड खोद करके ब्लॉक्स ला सकते हो। हमें मजबूरन अपना बाहर वाला टॉर्च जो है वो बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं बाहर गया तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं मर जाऊंगा और फिर मुझे रिस्पॉन होना पड़ेगा और मे भी मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और भी मैं वो चांसेस लेना नहीं चाहता हूँ। देख सकते हो हमारा बहुत अच्छा से एक सीक्रेट केव बन चुका है और इसके अंदर मॉन्स्टर के दादा परदादा बाबूजी भी नहीं आ सकते, तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे हम लोग को यहाँ पे जो हमारी हेल्थ तुम देख रहे होगे कर्सर में बहुत कम है, एक हर्ट पे हमारा हेल्थ अटका हुआ है, उसको कैसे हमें फुल करना है। तो हमें इसके लिए चिकन खाना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद हो वीडियो शुरू से देख रहे हो तो मैंने एक चिकन मारा था, तो अब उसको हम लोग ऐसे नहीं खा सकते, उसको फ्राई करना पड़ेगा। और फ्राई कैसे करते हैं चलो आओ बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना फर्नेस पुट कर लिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्राई करेंगे, जिससे हम लोग टॉर्च बनाए थे याद है ना, कोल बनाए थे जिससे, उसी में सबसे पहले तुम्हें ऊपर चिकन रख देना है, ठीक है। जो हमने चिकन मारा था तो चिकन आया था, और नीचे रख देना हमें स्टिक, ठीक है। ऊपर और कुछ रखोगे या नीचे और कुछ रखोगे तो नहीं होगा फ्राई, नीचे स्टिक रखना है और ऊपर चिकन रखना है, ठीक है। और जैसे तुम्हें यहाँ रख दोगे तुम्हें छोड़ देना है, यहाँ पे रिजल्ट वाला जो एरो है वो भर जाएगा, तुम्हें यहाँ पे रोस्टेड चिकन मिल जाएगा। और रोस्टेड चिकन उसके बाद खा कैसे सकते हो ये बता देता हूँ, तुम्हारी हेल्थ फुल हो जाएगी और फिर तुम अपना डे वन ईजिली सर्वाइव कर लोगे। देख सकते हो हमें रोस्टेड चिकन मिल चुका है, हमें इसको ड्रैग करके वहाँ रख लेना है बस। अब हमारे पास चिकन आ चुका है, अब हमको ऐसे ऐसे फेंकोगे तो ये कुछ नहीं होने वाला है, चिकन को खाना है। तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हुआ था, देख लो तुम कैसे कैसे कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने थ्रो करने का ट्राई किया, मैंने स्पीड रन करने का ट्राई किया, मैंने जंप करने का ट्राई किया, मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई की लेकिन कुछ नहीं हुआ। एट द लास्ट मुझे करना ये पड़ा कि जो चिकन का पीस है उसको खाने के लिए हमें एम वाले बटन पर थोड़ा देर तक टैप करे रहना पड़ेगा, वो खुद हमारा कैरेक्टर खा लेगा और हम जैसे चिकन खा लेंगे हमारी हेल्थ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा डे वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही बॉन्डिंग होगी तुम फिर से यहाँ पे बेसमेंट तोड़ करके बाहर निकल सकते हो और यहाँ पे अपनी आलीशान घर क्रिएट कर सकते हो। यही था इसका बेसिक। अगर तुम्हें वीडियो से इतना से भी माइनक्राफ्ट सीखने को मिला हो तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट में डिस्कस करना, मैं तुम्हारा डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, तुम्हें व्हाट्सएप पे बुला के दे दूंगा। और क्या चाहिए यार, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और जिसने भी यहाँ तक देखा है भाई दिल से थैंक यू यार, तू ही तो मेरा रियल ऑडियंस है, थैंक यू सो मच गाइस। चलो बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट के डे टू में, जिसमें हम लोग और मस्ती करेंगे और हो सकता है मैं डोरीमन बनाऊं डे टू में, तो देखने में बहुत मजा आएगा। कर लो सब्सक्राइब, कर लो जल्दी 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 दबा लो जल्दी।